मध्य प्रदेश के चुनाव में चेंजिंग होनी है, होनी चाहिए, होनी चाहिए, ऐसा क्यों होनी चाहिए और होनी चाहिए, क्योंकि एक छत्र राज्य रहने से बीजेपी की जितनी मनमानी चल रही है उतनी मनमानी ना हो। अच्छा, विपक्ष होना चाहिए, लेकिन विपक्ष चिन्ह ने बिल्कुल खत्म कर दिया। मेरे तो कांग्रेस ही आना चाहिए, आनी चाहिए। हाँ, ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि क्या है, पहले से पहले कांग्रेस के टाइम पे महंगाई इतनी नहीं थी, इसलिए इस टाइम ज्यादा महंगाई है। अच्छा, नाम है आपका भैया? रिंकू। क्या काम करते हो? ऑटो चलाते हो। ऑटो चलाते हो, तो अभी कैसा काम का चल रहा है आपका? अभी तो काम मद्दा ही बढ़ाया भाई साहब। अच्छा, बिल्कुल मद्दा ही बढ़ाया, कुछ हो नहीं रहा है। लॉकडाउन के बाद कुछ काम ही करा पड़ा है पूरा। अच्छा, अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। अब क्या क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव आने वाले हैं? कुछ कहते हैं कोई सी ऐसी पार्टी आए जो साला गरीबों की सोचे। अच्छा, मोदी सरकार में कोई फायदा नहीं है। यानी भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपको नहीं लग रहा है कि बेहतर काम हुआ है? कुछ बेहतर काम नहीं है भाई साहब। अच्छा, भारत सिंह है। महाराज सिंह? भारत सिंह, भारत सिंह। क्या काम करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हूँ, किसमें जॉब करते हो? मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, ऑडिट का काम है, बैंकिंग का। तो आप तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई नहीं बता पाएंगे? आई नो। राघव सिंह। क्या काम करते हो आप? जॉब करते हैं। गवर्नमेंट जॉब है आपकी? ऐसे सारी गवर्नमेंट जॉब वाले हैं क्या यहाँ पे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ तो सारे लोग आते हैं। अच्छा, ये जैसे बात की जाए मध्य प्रदेश इलेक्शन का सर्वे कर रहे हैं हम लोग, तो इस बार क्या माहौल रहने वाला है, आपको कुछ अंदाजा है अगर बात की जाए थोड़ा? माहौल तो देखो, टिकट मिलने के बाद ही क्लियर होता है। अच्छा अच्छा, किस तरह का कैंडिडेट आता है। टिकट पर भी फर्क पड़ता है बहुत ज़्यादा यार, बिल्कुल पर भी है ना। तो अगर ओवरऑल बात की जाए मध्य प्रदेश की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगभग 18 सालों से, तो एंटी इनकम्बेंसी है क्या आपको लग रहा है? इससे नाराजगी है थोड़ी सी बहुत लोगों में? हाँ, गवर्नमेंट कर्मचारियों में तो है इस बार थोड़ा सा ना, कुछ मुद्दे हैं उनके जो हल नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा अच्छा, है ना, तो पेंशन रिलेटेड? हाँ, पेंशन रिलेटेड है और भी हैं कई सारे मुद्दे हैं, तो इस बार है थोड़ा सा। अब देखो वो किस हद तक उसको दूर कर पाते हैं। अच्छा, तो उसके बाद ही डिसाइड होगा। अच्छा, क्या होता है ना। अच्छा, ये जो आपने अपने मुद्दे बताए और भी ऐसे मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, आपको लग रहा है ये फर्क डालेगा? गैस में इतनी महंगी हो गई है, ये सारी चीज़ें। हाँ, फर्क तो डालता है ना, बिल्कुल बिल्कुल फर्क। और भी कुछ लोग हैं, आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम छोटू। क्या काम करते हो? प्लम्बरी का। प्लम्बरी का, कैसा काम चल रहा है आपका? वैसे ही चल रहा है, धीरा हल्का काम है। हाँ, हल्का ही चल रहा है। अच्छा, तो जो चुनाव आने वाले हैं, आपको क्या लग रहा है जो भारतीय जनता पार्टी का काम कैसा रहा पिछले 18 सालों में, और अगर बात की जाए जो चुनाव में कांग्रेस का माहौल बनता दिख रहा है आपको? मेरे तो कांग्रेस ही आना चाहिए, आनी चाहिए। हाँ, ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि क्या है, पहले से पहले कांग्रेस के टाइम पे महंगाई इतनी नहीं थी, इसलिए इस टाइम ज़्यादा महंगाई है। अच्छा अच्छा, इस टाइम ज़्यादा महंगाई। आप चाह रहे हो चेंज हो? हाँ। आप प्लम्बरी में क्या काम करते हो, मतलब प्लम्बरी जो नल वगैरह जो? हाँ। अभी काम कम है आपका? हाँ। और अगर आपके बाल बच्चे शादी हो चुकी है आपकी, बच्चे वगैरह पढ़ाई वगैरह कर रहे होंगे? नहीं, अभी तो छोटे ही बच्चे, छोटे हैं। तो गैस पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़े हैं, महंगाई जिस तरीके से बढ़ी, आपको लग रहा है उसका फर्क पड़ेगा चुनाव पे? थोड़ा बहुत पड़ सकता है। अच्छा, थोड़ा बहुत पड़े फर्क पड़ेगा। और इंग्लिश पूछते हैं। हाँ, नमस्ते अंकल, आपका नाम क्या है? मेरा ओम प्रकाश श्रीवास्तव। अच्छा, थोड़ा सा भैया करो, हम लोग सर्वे कर रहे हैं मध्य प्रदेश के जो चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर क्या माहौल बन रहा है धीमे, मतलब जैसे मजदूर वर्ग है, जो ठेली वाले वगैरह हैं उन सबसे बात की, मध्यम वर्ग के लोगों से बात की, सीनियर सिटीजन से बात की। तो आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आपको क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल रहने वाला है मध्य प्रदेश के चुनाव में? मध्य प्रदेश के चुनाव में चेंजिंग होनी है, होनी चाहिए, होनी चाहिए, ऐसा क्यों होनी चाहिए और होनी चाहिए, क्योंकि एक छत्र राज्य रहने से बीजेपी की जितनी मनमानी चल रही है उतनी मनमानी ना हो। अच्छा, विपक्ष होना चाहिए, लेकिन विपक्ष चिन्ह ने बिल्कुल खत्म कर दिया। जैसे पिछली बार 2018 के चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस को सीटें मिल गई थी, पर्याप्त सीटें मिल गई थी और इतनी सीटें थी कि उनकी सरकार भी लगभग 1.5-2 साल तक चल गई थी, तो वो इन्होंने जबरदस्ती उनको डिपोर्ट किया। अच्छा अच्छा, नहीं तो वो चाहते तो ये चलने देते उसको। अच्छा, आज आप केंद्र में भी देख लीजिए कि वहाँ पे कोई विपक्ष नहीं है और ना ही यहाँ पे ऐसा कोई विपक्ष है। अच्छा, आपको लग रहा है कि एक समस्या है जो विपक्ष को खत्म करने की कोशिश है, क्योंकि जब तक टोकने वाला कोई व्यक्ति ना हो साथ में जब तक वो सही नहीं चलते जी। अभी इनकी क्या है, हर चीज में मनमानी चल रही है। अच्छा अच्छा, मनमानी चल रही है, महंगाई बढ़ रही है जिस तरीके से। महंगाई तो वो इसीलिए है ना, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा,
अभी हम बात करके आए, सबसे ज़्यादा लोग गैस पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं इनसे बहुत नाराजगी है लोगों में। ये तो एक नॉर्मल है ही है, ये तो मजबूरी में आदमी को लेना ही लेना है, चाहे वो किसी भी रेट हो जाए, लेकिन इनका कंट्रोल किसी चीज़ पर नहीं है। अच्छा अच्छा, आपको लग रहा है क्या क्या और मुद्दे हैं मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, जिनसे जिनसे महंगाई के अलावा और कौन से मुद्दे हैं जो नाराजगी के, जैसे आपको लग रहा है युवाओं के रोजगार का मुद्दा भी है? रोजगार का मुद्दा है, रोजगार जो प्रॉपर मिलना चाहिए लोगों को वो नहीं मिल पा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। आप क्या काम करते हैं सर? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर। अब जो पहले कोविड से पहले जो काम था या व्यापार था, वो व्यापार लगभग करीब करीब मध्यम हो गया, मतलब बिल्कुल मीडियम था, कम हो गया। और सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, महंगाई की तरफ कोई ध्यान नहीं है इनका, आए दिन मतलब हर चीज़ में पैसे बढ़ गए, कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो सरकार को जो हेल्प करनी चाहिए थी लोगों की, जो व्यापारी वर्ग है उनकी, व्यापारी वर्ग या जनरल वर्ग। अच्छा, आज आप मजदूर आदमी घूम रहा है क्या, लेकिन उसको मजदूरी उस तरह से नहीं मिल पा रही है, नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट है, युवाओं में बेरोजगारी है, और आप जो कह रहे हो महंगाई की वजह से लोग भी बाजार से सामान कम खरीद रहे हैं। कम तो खरीद ही रहे हैं, लेकिन वो तो मजबूरी है, जो भी खरीद रहे हैं वो मजबूरी में खरीद रहे हैं, जो आवश्यकता है। तो आप चाह रहे हो कि चेंज हो, थोड़ा चेंज होना चाहिए। अच्छा अच्छा, इनका क्या 15 साल हो गए, 15 साल में कुछ तो चेंजिंग होनी चाहिए ना, जैसे राजस्थान में तो हर 5 साल में कांग्रेस चेंज होती है, तो उसमें सामने वाले को ये मालूम पड़ती है कहाँ गई, हम किस पोजीशन में, हमारी क्या मतलब हैसियत है। यदि एक ही छत्र रहेगा तो उसको अपनी वो नहीं मिलनी है, अब वो अपने मनमानी करेगा, कोई टोकने वाला ही नहीं रहेगा उसको। सही बात। अच्छा, लाडली बहन योजना जो इनकी चल रही है शिवराज सिंह चौहान जी की, 1,000 रुपये मिलते हैं जो महिलाएं हैं घर की महिलाओं को, अब लग रहा है इससे महिलाओं को कुछ आराम मिला, मतलब ये थोड़ा इफेक्टिव है चीज़? नहीं, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। अच्छा, आपके फैमिली मेम्बर्स को मिलते हैं? नहीं नहीं मिलते हैं। अच्छा, तो कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने अभी रैली की थी जबलपुर में, आपने शायद सुना होगा, लगभग 2 सप्ताह पहले, और उन्होंने कहा था कि कई सारे आरोप तो लगाए भारतीय जनता पार्टी पर, साथ ही साथ ये भी कहा कि हम जो सिलेंडर है 500 रुपये का करेंगे, महिलाओं को 1500 रुपये देंगे, और जो बिजली है 100 यूनिट तक फ्री देंगे, इस तरीके के वादे किए। तो आप वादे किए लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अच्छा, मुश्किल लग रहा है? मुश्किल है, क्योंकि ये खर्चा कहाँ से बढ़ाएंगे, जो खर्चे तो बढ़ा दिए इन्होंने, लेकिन इनकम कहाँ से करेंगे, उसका इनकम सोर्स नहीं, इनकम की सोर्स क्या है? अरे लाडली बहन योजना निकाली तो ये कहाँ से पैसा आएगा? अच्छा अच्छा, वो गवर्नमेंट अपने उसी से, गवर्नमेंट फिर एंड में जाके कहेगी कि सर हमारे पास खजाना खाली है, जो भी सरकार आएगी, जो भी सरकार रहेगी। अच्छा अच्छा, तो खजाने को भरने में रहेंगे। अच्छा, महंगाई महंगी महंगी पर पहुँची और बल्कि बढ़नी है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात और कही जाती है, अभी हम लोगों से चर्चा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लोग इसलिए आते हैं कि एक राष्ट्रवादी पार्टी है, हिंदुत्व की पार्टी है, आपको लग रहा है ऐसा? वो चीज़ अपनी एक अलग है, वो चीज़ अलग, हम हिंदू हैं, हिंदू मानते हैं, हिंदू रहेंगे, तो हिंदुत्व को बढ़ावा देना चाहिए, जो अपना एक समाज है या राष्ट्र है उसके हिसाब से बढ़ावा देना चाहिए, जैसे और कंट्रियों में देते हैं तो वो अपने समाज को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं अपनी उसको, इस तरह से अपने को देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन ये था, मध्य प्रदेश में ये मुद्दा है, मतलब इस पर लोग वोट डालेंगे क्या हिंदुत्व के नाम पर? जैसे कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी कोई सॉफ्ट हिंदुत्व, वो भी कहा जाता है कि वो भी जैसे प्रियंका गांधी जी नर्मदा की, उन्होंने उसमें क्या है कि कांग्रेस के जो मुस्लिम समाज है वो उनके ऊपर वो चाहता है कि कांग्रेस आए और हम इसको, अच्छा हम फायदा उठाएं, हम फायदा उठाएं उससे, तो इस वजह से कहने की नाराजगी है जो अदर जो लोग हैं। तो आप तो फिर अगर मध्य प्रदेश चुनाव की बात की जाए तो अगर वो हिंदुत्व वाला मुद्दा या राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाती है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल जाएगा उन्हें फिर? हाँ, उसका सपोर्ट मिल सकता है, मुस्लिम समाज का मिल सकता है। नहीं, मैं इसकी कह रहा हूँ, जैसे भारतीय जनता पार्टी अगर आती है तो हिंदुत्व वाला मुद्दा उठाती है तो फिर तो उन्हें सपोर्ट मिलेगा हिंदुओं का? नहीं, हिंदुओं का सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन वो चीज़ एक सीमित है। अच्छा अच्छा, अभी जैसे कल की जो पार्टी चली शिवराज सिंह की, उसमें पेपर में जो दिया है कि बीजेपी के कार्यकर्ता ही आपस में खेचातानी कर रहे हैं, उनमें उस तालमेल नहीं बैठ रहा, टिकटों की बंटवारे को लेकर बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं आगे। अब जिनसे जैसे उनको प्रोत्साहन या सीटें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछली बार जब गए थे बीजेपी में गए थे, अब जो ज्योतिरादित्य मतलब उनके साथ जितने भी विधायक गए थे, अब
उन्हें टिकट मिल रही है, बीजेपी वालों को नहीं मिल रही, तो ये नाराजगी है लोग, नाराजगी आपस में नाराजगी चल रही है, स्पष्ट पेपर में दे रहे हैं मतलब, तो ये नुकसान होगा आपको लगता है बीजेपी को नुकसान होगा? हो सकता है, ये संगठनात्मक जो कमियां हैं जो हो सकता है, ये हो सकता है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि एक महंगाई का मुद्दा और संगठन वाली चीजें हैं, महंगाई और संगठन, संगठन आपको और जो इनसे जो बातें करते हैं बातें उनके पूरे कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, शुरुआत कर दी और फिर उसको छोड़ दिया, चलिए तो आपको आगे नहीं उसको करीबन मतलब पूरा पूर्ण नहीं कर पाते हैं। अच्छा, आपको लग रहा है चेंज हो सकता है, लेकिन चेंज हो इसी वजह से चेंज हो सकता है। तो आपने देखा कहीं ना कहीं हमने बात की, उनका ये कहना है कि जो संगठनात्मक कमी है वो एक हावी हो सकती है भारतीय जनता पार्टी पर और उनकी हार हो सकती है।